सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है अकेडमी के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर, जहां पर हम लोग डेली मध्य प्रदेश पढ़ रहे हैं। कल कुछ तकनीकी कारणों के वजह से हम लोग कल क्लास नहीं ले पाए थे, लेकिन आज हमारी जो कल की क्लास थी उस क्लास को हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। और जो सेक्शन हम लोग ने लास्ट क्लास में पढ़ा था, मतलब बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स हम लोगों ने पढ़े थे, उसमें हम लोगों ने कॉन्सेप्ट देखा था कि मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, या बहुउद्देशीय परियोजनाएं जो होती हैं उनका सिद्धांत या उनका कॉन्सेप्ट क्या होता है, उसके विषय में जानकारी ली थी। उसके बाद में जो मध्य प्रदेश की पहली नदी घाटी परियोजना है, चंबल नदी घाटी परियोजना, उसको हम लोगों ने पढ़ा था और 1953-54 में उसको स्टार्ट किया गया था। उसके बाद में फिर हमने मध्य प्रदेश के अंदर जो नर्मदा नदी घाटी परियोजना है उसको हम लोगों ने पढ़ा हुआ था। प्रो मैकेनिकल जी स्वागत है, रेणु चरिशिया गुड इवनिंग रेणु, आपका बहुत बहुत स्वागत है क्लास के अंदर। तो जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग अब स्टार्ट करते हैं क्लास को। बस मैं आप लोगों का ये कमेंट्स वगैरह मुझे दिखते रहें ताकि आप लोगों के, चलो ठीक है, ओके डन। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो पढ़ा था दोस्तों, वो एक बार थोड़ा सा देखेंगे और उसके बाद में अगली परियोजनाओं के ऊपर हम लोग आ जाएंगे। कल आप लोगों का जो अनअकैडमी ऐप के ऊपर टेस्ट पेपर होने वाला है, जो मैं खुद आप लोगों का लाइव टेस्ट पेपर लेता हूँ, वो मध्य प्रदेश में आधुनिक इतिहास है, मध्य प्रदेश का आधुनिक इतिहास, उसका मैं आप लोगों का कल टेस्ट पेपर लेने वाला हूँ 19 मई को। ये क्लास 4 बजे से 5 बजे के बीच में होने वाली है, अनअकैडमी ऐप के ऊपर होने वाली है 4 बजे से 5 बजे के बीच में। तो जितने भी लोगों ने अनअकैडमी ऐप अभी तक इंस्टॉल नहीं किया है, तो अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करिएगा और मित्रों मेरा कोड यूज़ करिएगा लोक लाइव, और इस कोड के उपयोग के माध्यम से आप मेरी फ्री क्लासेस को अनअकैडमी ऐप के ऊपर देख पाएंगे। और जब भी सब्सक्रिप्शन लें अनअकैडमी प्लस का, तो इसी कोड का उपयोग करें ताकि आप लोगों को प्लस सब्सक्रिप्शन पर 10% का डिस्काउंट भी प्राप्त हो जाए। दोस्तों आप लोगों के लिए अनअकैडमी बहुत ही अच्छा ऑफर लेकर के आया हुआ है। अभी अभी दो सब्सक्रिप्शन पर आप लोगों के लिए ऑफर है। 12 महीने के सब्सक्रिप्शन पर आप लोगों को ऑफर है कि आपको 2 महीने एक्स्ट्रा पढ़ने को मिलेगा अगर 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो, और अगर आप 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 3 माह अतिरिक्त पढ़ने को मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ मित्रों कि अगर आप लोग 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 14 महीने को पढ़ने को मिलेगा, और 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 27 महीने पढ़ने को मिलेगा। 12 महीने का सब्सक्रिप्शन 8,800 का पड़ता है, और 24 महीने का सब्सक्रिप्शन 12,800 का MPPSC के लिए पड़ता है। अगर आप लोग मेरा कोड यूज़ करते हैं लोक लाइव LOKLIVE, तो इस पे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ये 7,920 का हो जाएगा और ये 11,520 का आप लोगों के लिए हो जाएगा। हैव ए रेफरल कोड में आप लोग लोक लाइव डालिएगा, LOKLIVE अप्लाई कर दीजिएगा, 10% का आपको वहाँ डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ में आप लोग स्पेशल क्लासेस अगर अनअकैडमी की देख रहे हैं तो आपके क्वाइंस भी होंगे, उन क्वाइंस को भी आप लोग अप्लाई कर दीजिएगा, तो 10% से ज़्यादा आप लोगों को डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा। ओके दोस्तों, कल क्लास नहीं हुई थी, कल कुछ तकनीकी कारणों की वजह से क्लास हम नहीं ले पाए थे, आज जो है उस क्लास को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। चलिए मित्रों, सभी लोग उपस्थित हो गए हैं, नमस्कार, गुड इवनिंग। चलो ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ चुके थे, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना क्या है होता है ना, ये सारी कहानी हम लोग देख चुके थे, और जवाहर सागर बांध भी हम लोग पढ़ चुके थे, नर्मदा नदी घाटी परियोजना है ना, और नर्मदा नदी से संबंधित जो भी है वो सारे, बरगी बांध भी हम लोगों ने पढ़ लिया था, इंदिरा सागर बांध भी हम लोगों ने पढ़ लिया था। फिर उसके बाद में ओंकारेश्वर प्रोजेक्ट जो है ये भी हम लोग पढ़ चुके थे, जो हमारी लास्ट क्लास थी उस क्लास के अंदर ये हमने पढ़ा था बहुत डीपली। महेश्वर बांध परियोजना जो है वो भी हम लोग पढ़ चुके थे, मान परियोजना जो है वो भी हम लोग पढ़ चुके थे। आज की क्लास जो हमारी स्टार्ट होने वाली है वो जोबट परियोजना से स्टार्ट होने वाली है। आज की क्लास हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो जोबट परियोजना से स्टार्ट करने वाले हैं। जोबट परियोजना को शहीद चंद्रशेखर आजाद सागर परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ से कुछ समझ में आ रहा है हमें कि भैया किस जिले के अंदर ये परियोजना होगी। ठीक है, इस बांध का निर्माण 1985 में अलीराजपुर जिले के अंदर जोबट के जो गांव है दोस्तों, वहाँ पर हथनी नामक
नदी के ऊपर इसका निर्माण किया गया था। हथनी जो है वो नर्मदा की सहायक है, आप लोगों को पता होगा, जो कि किस तरफ से मिलती हैं, दाहिने तरफ से मिल करके और नर्मदा में मिल जाती हैं। ठीक है, तो जोबट परियोजना, शहीद चंद्रशेखर आज़ाद परियोजना, इसका जो निर्माण किया गया था वो 1985 में किया गया था। अलीराजपुर जिले के अंदर ये परियोजना स्थित है। ठीक है, जोबट एक स्थान है जहाँ पर कि हथनी नदी के ऊपर इस परियोजना का निर्माण कराया गया है। सिंचाई क्षमता इसकी कितनी है, 9,884 हेक्टेयर भूमि को यह सिंचित कर रही है। हालांकि सिंचाई का जो एरिया है वो मैंने एक्स्ट्रा लिख दिए यहाँ पर, आपको प्रारंभिक परीक्षा में यहाँ से सिंचाई का एरिया नहीं पूछा जाएगा। केवल आपको ये याद रखना है कि भाई जोबट परियोजना कब स्टार्ट हुई है, किस जिले में है और किस नदी के ऊपर इसको बनाया गया है। ठीक है, अब आते हैं अपन बरगी डायवर्जन परियोजना के ऊपर। नर्मदा जो हम पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स, ये सारी नदी घाटी परियोजनाएं हैं, बहुउद्देशी नदी घाटी परियोजनाएं हैं, जो कि मध्य प्रदेश के अंदर आप लोगों के लिए स्थित है। ठीक है, हाँ सब आ जाएंगे, सब आ जाएंगे, प्रो मैकेनिकल जी सारी चीजें आ जाएंगी। ओके, नमस्कार राजवीर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बरगी डायवर्जन प्रोजेक्ट, बरगी आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, बरगी नदी के ऊपर जबलपुर के अंदर बरगी बांध परियोजना है, जो नर्मदा घाटी के अंतर्गत जितनी भी परियोजनाएं बन रही हैं, बड़े डैम बन रहे हैं, उनके अंतर्गत पहला डैम बना हुआ था बरगी प्रोजेक्ट, है ना। तो उसी के अंदर एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है, जिसको कहा गया बरगी डायवर्जन प्रोजेक्ट। ये भी जबलपुर में ही स्थित है दोस्तों, ये बरगी परियोजना का विस्तार है। बरगी परियोजना जो थी, जो कि जबलपुर में थी, इसी का एक्सटेंशन है बरगी डायवर्जन परियोजना, जिसके तहत बरगी बांध जबलपुर जिले से निकाली गई जो नहरें हैं दोस्तों, उनको सोन और टोंस नदी में जो के द्वारा जो छोटे छोटे डैम बने हुए हैं, सोन और टोंस नदी में जो छोटे छोटे डैम बने हुए हैं, उनकी नहरों से जोड़ा जाना है बरगी डायवर्जन प्रोजेक्ट के अंतर्गत। तो ये भी अगर आपसे पूछा जाए कि बरगी डायवर्जन प्रोजेक्ट कहाँ पर है, तो जबलपुर जिले के अंदर स्थित है, बस इतना सा आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, क्योंकि इतना ही क्वेश्चन प्रीलिम्स के अंदर अपने से पूछा जाएगा। लेकिन एक बात इसमें विशेष तौर पर याद रखना है कि जो बरगी डायवर्जन प्रोजेक्ट है, जो बरगी डायवर्जन प्रोजेक्ट है, वो जापान, नाबार्ड और एशियन डेवलपमेंट बैंक की फाइनेंशियल सपोर्ट के द्वारा बनाया गया है। आप लोगों से प्रारंभिक परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि बरगी डायवर्जन प्रोजेक्ट को किसकी फाइनेंशियल हेल्प से बनाया गया है, तो जापान, नाबार्ड और एशियन डेवलपमेंट बैंक की फाइनेंशियल सपोर्ट से इसको बनाया गया है। ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एमके जी मान प्रोजेक्ट के आगे ही पढ़ रहे हैं अपन, ना लास्ट जो क्लास थी उसमें मान प्रोजेक्ट तक हम लोगों ने पढ़ा था, उसके आगे ही इस क्लास को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। इसके बाद आते हैं दोस्तों अपर नर्मदा प्रोजेक्ट, अपर नर्मदा प्रोजेक्ट, है ना। ये क्या है, डिंडोरी जिले के शोभापुर रिंतोला नामक गांव में ये स्थापित किया गया है। अपर नर्मदा प्रोजेक्ट कहाँ पर है, अपर नर्मदा प्रोजेक्ट जो है वो डिंडोरी जिले के शोभापुर में रिंतोला नामक गांव के अंतर्गत ये क्या किया गया है, स्थापित किया गया है। सिंचाई क्षमता क्या है, तो सिंचाई क्षमता का एग्जैक्ट जो डेटा है वो याद करने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद कर लेना कि जो अपर नर्मदा प्रोजेक्ट है वो अनूपपुर और डिंडोरी जिले में सिंचाई कर रही है, अनूपपुर और डिंडोरी जिले के अंदर ही इरिगेशन कर रहा है। ठीक है, अब इसका एक बहुत ही आईएमपी बिंदु है कि नर्मदा का जो हमारा प्रवाह मार्ग है मित्रों, नर्मदा का प्रवाह मार्ग अनूपपुर अमरकंटक से चालू होता है तो अलीराजपुर और बड़वानी तक ये पूरा जाता है। तो नर्मदा का ये जो मार्ग है, इस मार्ग के अंदर जो सबसे पहला प्रोजेक्ट बनाया गया है नर्मदा नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत, वो अपर नर्मदा प्रोजेक्ट बनाया गया है। नर्मदा नदी का जो प्रवाह मार्ग है, उस प्रवाह मार्ग के अंदर जो पहला बांध बनाया गया है वो अपर नर्मदा परियोजना है, जो कि डिंडोरी जिले के अंतर्गत रिंतोला गांव के अंतर्गत बनाया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि ये पहला प्रोजेक्ट है। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं अपन, अब अपन आते हैं हालोन प्रोजेक्ट के ऊपर, हालोन प्रोजेक्ट के ऊपर आते हैं। हालोन प्रोजेक्ट कहाँ पर है, मंडला डिस्ट्रिक्ट के अंदर है दोस्तों। हालोन प्रोजेक्ट कहाँ पर है, हेलो विकास जी स्वागत है आपका। हालोन प्रोजेक्ट कहाँ पर है, मंडला डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। ठीक है, फिर नर्मदा की सहायक नदी है हालोन, उसके ऊपर ये प्रोजेक्ट बनाया गया है। नर्मदा की सहायक नदी हालोन, उसके ऊपर ये प्रोजेक्ट बनाया गया है। इसके में जो इसके द्वारा जितना एरिया इरिगेट किया जा रहा है
वो एक डेटा है दोस्तों, तो उसको अगर आप लोग याद कर पाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर पाते तो कोई बड़ी बात नहीं है। 11,736 हेक्टेयर क्षेत्र जो है वो हालोन परियोजना के द्वारा जो है क्या किया जा रहा है, सिंचित किया जा रहा है। फिर अब प्रश्न जो पूछा जाएगा प्रारंभिक परीक्षा में वो इतना ही पूछा जाएगा कि हालोन परियोजना किस जिले में, मंडला में है, किस नदी के ऊपर है, हालोन नदी के ऊपर है। हालोन किसकी सहायक है, नर्मदा नदी की सहायक है। इससे ज्यादा प्रारंभिक परीक्षा में आप लोगों से यहाँ से प्रश्न नहीं पूछा जाएगा और ना ही व्यापम में पूछे जाने की किसी प्रकार की कोई संभावना है। अपर वेदा परियोजना, अपर नर्मदा परियोजना अलग थी जो कि डिंडोरी में है ना। अपर वेदा प्रोजेक्ट अलग है, अपर वेदा प्रोजेक्ट अलग है। स्थान कहाँ पर है अपर वेदा प्रोजेक्ट का, नैमित्त गांव झिरन्या तहसील जिला खरगोन। ठीक है, नैमित्त गांव झिरन्या तहसील जिला खरगोन के अंतर्गत इसका जो है ये अपर वेदा प्रोजेक्ट है। जैसे मध्य प्रदेश अपन ने बनाया तो मध्य प्रदेश के अंदर यहाँ पर है खरगोन, है ना, यहाँ पर खरगोन है दोस्तों, और यहीं पर है आपका अपर वेदा परियोजना, है ना। तो नैमित गांव का नाम है नैमित, झिरन्या तहसील है और खरगोन डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है अपर वेदा परियोजना। अपर वेदा परियोजना खरगोन डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, इतना भी याद रख लेंगे तो भी अपना काम हो जाएगा। सिंचाई क्षमता 9,900 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता है अपर वेदा परियोजना की। ठीक है, अब अपन आगे की तरफ आते हैं। मटियारी परियोजना, मटियारी प्रोजेक्ट कहाँ पर है, ठीक है, मटियारी प्रोजेक्ट जो है वो कहाँ पर स्थित है। ये परियोजना 1992 में कंप्लीट हुई है, मंडला जिले के अंदर सिमरिया गांव में के पास मटियारी नदी पर, है ना, सिमरिया गांव के पास मटियारी नदी पर ये जो परियोजना है वो निर्मित की गई है। मटियारी परियोजना माँ से मंडला में स्थित है और मटियारी नदी के ऊपर इसका निर्माण किया गया है। कोलार प्रोजेक्ट काफी आईएमपी प्रोजेक्ट है दोस्तों और भोपाल के पास में है, सीहोर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, काफी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से कई बार प्रारंभिक परीक्षा में क्वेश्चंस भी आ चुके हैं। तो देखते हैं क्या है कहानी। नर्मदा की सहायक कोलार नदी पर बनाई गई है, नर्मदा नदी जो है उसकी सहायक नदी कोलार के ऊपर कोलार प्रोजेक्ट को बनाया गया है। स्थान कहाँ पर है, सीहोर जिले के नरसुल्लागंज तहसील है दोस्तों, वहाँ पर जगह का नाम है लावाखेड़ी, है ना, गांव का नाम है लावाखेड़ी। सीहोर जिले की नसरुल्लागंज तहसील के अंतर्गत गांव लावाखेड़ी में कोलार डैम परियोजना का निर्माण किया गया है। जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं दोस्तों, क्लास को जरूर पूरा का पूरा कंटिन्यू करिएगा, आपको बहुत ही अच्छा डेटा यहाँ पर मिलने वाला है। और स्पीड जो है, स्पीड सही है तो आप बता दीजिए, अन्यथा मैं थोड़ा सा स्लो भी कर सकता हूँ, हालांकि आप लोग बोलें तो स्पीड ठीक है तो फिर इसी स्पीड से हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, है ना। तो कोलार प्रोजेक्ट नर्मदा की सहायक नदी कोलार है, सीहोर जिले में बना हुआ है, लावाखेड़ी नामक गांव के अंतर्गत इसको स्थापित किया गया है। अगला देखते हैं फ्रेंड्स, ये जो कोलार डैम बना हुआ है सीहोर डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो किसके फाइनेंशियल सपोर्ट के द्वारा बनाया गया है। विश्व बैंक के फाइनेंशियल सपोर्ट के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कोलार परियोजना का निर्माण किसकी फाइनेंशियल सपोर्ट के द्वारा बनाया गया है, तो विश्व बैंक के फाइनेंशियल सपोर्ट के द्वारा बनाया गया है। इसका उद्देश्य क्या है कोलार परियोजना का, पहला तो उद्देश्य है कि सीहोर जो जिला है जिसके अंदर ये बनाया हुआ है कोलार डैम, वहां पर इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए नहरें निकाली गई हैं कोलार डैम से, बहुत बड़ी बड़ी नहरें निकाली गई हैं कोलार डैम से। साथ में भोपाल को पेयजल आपूर्ति करना, भोपाल के अंदर अगर आप लोग रहते हैं या भोपाल में आप लोगों के रिश्तेदार रहते हैं या भोपाल से आपने ग्रेजुएशन किया है, दोस्त रहते हैं, तो उनसे पूछिएगा कि कोलार रोड है भोपाल के अंदर और वहां से कोलार का पाइपलाइन आया हुआ है ना, तो कोलार डैम से पानी आता है भोपाल के अंदर, तो सीहोर जिले के लिए सिंचाई सुविधा उपलब्ध करा रहा है कोलार डैम, और साथ ही साथ सीहोर जिले के लिए सिंचाई क्षमता उपलब्ध कराने के साथ साथ भोपाल को पीने के लिए पानी भी उपलब्ध करा रहा है कोलार डैम, है ना। तो जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि कोलार डैम परियोजना सीहोर जिले के किस गांव में स्थापित की गई है, कोलार डैम परियोजना सीहोर जिले के किस गांव में स्थापित की गई है। ठीक है, मैंने बोला ना प्रो मैकेनिकल आपको कि जो मेन मेन प्रोजेक्ट है केवल उनका इरिगेशन डेटा याद रखना है, बाकी मैंने दे दिया है, अगर याद कर पाओ तो अच्छी बात है। मेन मेन परियोजना है, जैसे इंदिरा सागर प्रोजेक्ट का याद करना है,
महेश्वर का, ओंकारेश्वर का, जो बड़े बड़े बांध हैं उनका इरिगेशन जो आपको डेटा दे रहा हूँ मैं, वो याद करना है। बाकी छोटी परियोजनाओं का याद करने की आवश्यकता नहीं है। छोटी परियोजनाओं में इतना याद रखिए कि वो प्रोजेक्ट किस जिले में है, किस गांव में है, किस नदी पर है, इतने में अपना काम हो जाएगा, है ना। अब बनाते हैं सुप्ता परियोजना के ऊपर, ठीक है। बहुत बढ़िया, प्रोमैकेनिकल जी ने आंसर दिया, सत्यभामा लोधी ने भी आंसर दिया हुआ, गुड 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 गुड। चलो सुप्ता प्रोजेक्ट, सुप्ता प्रोजेक्ट को एक और नाम से जाना जाता है, भगवंत सागर परियोजना। सुप्ता प्रोजेक्ट को एक और नाम से जाना जाता है, भगवंत सागर परियोजना। तो ये कहां पर है सुप्ता प्रोजेक्ट, और किस किस जिले को सुप्ता प्रोजेक्ट से फायदा हो रहा है ना, इतना अपने को याद रखना है। तो ये है दोस्तों, नर्मदा की सहायक सुप्ता नदी पर है सुप्ता प्रोजेक्ट, भगवंत सागर परियोजना के नाम से जाना जाता है। स्थान है खंडवा और बुरहानपुर की बॉर्डर, है ना, खंडवा और बुरहानपुर की बॉर्डर। जैसे अगर मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए चित्र बनाऊं, मध्य प्रदेश का ये हमने चित्र बना लिया, और यहाँ पर है खंडवा और बुरहानपुर की बॉर्डर। इस बॉर्डर के ऊपर सुप्ता प्रोजेक्ट है, नर्मदा की सहायक सुप्ता नदी पर है, भगवान सागर परियोजना के नाम से भी ये जानी जाती है। फिर लाभ किसको किसको हो रहा है, खंडवा और बुरहानपुर दोनों के बॉर्डर पर है, तो दोनों ही जिलों को क्या हो रहा है, इससे फायदा हो रहा है, ठीक है। सुप्ता परियोजना, भगवान सागर प्रोजेक्ट। फिर आगे की तरफ आते हैं, सरदार सरोवर परियोजना। दोस्तों अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे हैं, आप लोगों को एक चीज कॉमन दिख रही होगी कि सारी सारी नदियां नर्मदा की सहायक नदियां हैं, ठीक है। सारी नदियां नर्मदा की सहायक नदियां हैं। तो जितने भी प्रोजेक्ट्स अभी तक हम लोगों ने पढ़े हैं, लास्ट वाला जो मान परियोजना था उसके बाद से लेकर के अब तक, वो सारे के सारे नर्मदा घाटी विकास परियोजना के ही हिस्से हैं, है ना। नर्मदा घाटी विकास परियोजना के अंतर्गत 29 बड़े डैम बनाए जाने हैं, 135 मध्यम डैम बनाए जाने हैं, और 3,000 छोटे डैम बनाए जाने हैं। तो ये इतने सारे जो डैम बनाए जाने हैं नर्मदा नदी और उसकी 41 सहायक नदियों के ऊपर, उन्हीं से संबंधित डैम अभी तक हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। ओके, चलो बहुत बढ़िया। जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं, आप सभी लोग क्लास को लाइक और शेयर जरूर करते जाइएगा, है ना। ओके, सरदार सरोवर प्रोजेक्ट काफी आईएमपी प्रोजेक्ट है ना। तो इसको देख लेते हैं क्या इसकी स्थिति है। सबसे पहले तो स्थान इसका कहाँ पर है, गुजरात के बड़ौदा जिले में केवड़िया गांव में ये बांध बनाया गया है। सरदार सरोवर परियोजना गुजरात में बनाया गया है, डैम केवड़िया गांव के अंतर्गत ये डैम बनाया गया है। दूसरा पॉइंट है इसका कि 5 अप्रैल 1961 को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको स्टार्ट किया था। सरदार सरोवर प्रोजेक्ट को 5 अप्रैल 1961 को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा स्टार्ट किया गया था। इस परियोजना के माध्यम से कौन कौन से राज्य जो है उनको फायदा हो रहा है, मध्य प्रदेश को हो रहा है, महाराष्ट्र को, गुजरात को, राजस्थान को। चार राज्य सरदार सरोवर परियोजना से लाभ प्राप्त कर रहे हैं, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और साथ में महाराष्ट्र, ठीक है। अब अगला पॉइंट देखते हैं इसके अंदर, विद्युत उत्पादन क्षमता जो है वो 1450 मेगावाट है, जिसमें से 57% मध्य प्रदेश को मिल रहा है, 27% महाराष्ट्र को, 16% गुजरात को प्राप्त हो रहा है, और थोड़ा बहुत जो है राजस्थान को भी जाता है, लेकिन राजस्थान को बहुत ही कम जाता है। टोटल है 1450 मेगावाट सरदार सरोवर परियोजना का, जिसके अंतर्गत 57% 57% मध्य प्रदेश को, 27% महाराष्ट्र को, और 16% गुजरात को विद्युत प्राप्त हो रहा है। ओके, चलो थैंक यू कंचन। अब अगला पॉइंट देखते हैं, सरदार सरोवर प्रोजेक्ट जो हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों, और सरदार सरोवर प्रोजेक्ट मैप में अगर हम देखें तो गुजरात के अंदर स्थित है। अगर मैं मैप बना दूं आप लोगों के लिए, चलिए पहले भारत का मैप बना करके मैं सरदार सरोवर प्रोजेक्ट को आप लोगों को बता देता हूं, और फिर मैप मिटा करके और इस प्रोजेक्ट के हम लोग जो है आगे की कहानी को स्टार्ट करें। यह हमारा भारत का मैप है फ्रेंड्स। आप लोग मैप जब भी बनाएं तो उसको इतना सुंदर बनाएं ताकि जो चेकर है जब चेक करे आपके मैप को तो उनको ऐसा लगे कि यार वाह क्या
इतना शानदार मैप बनाया हुआ है। तो गुजरात के यहाँ से ऐसे नर्मदा जाती है, गुजरात के केवड़िया गांव में क्या बनाया गया, यहाँ कहीं पर आपका सरदार सरोवर प्रोजेक्ट बनाया गया है। 1961 में इसका इनॉग्रेशन प्लस को स्टार्ट किया गया था, किसके द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, है ना। ठीक है, तो गुजरात के केवड़िया में तो ये हो गया है। अब अपन देख लेते हैं कि सरदार सरोवर प्रोजेक्ट का और फैक्चुअल चीजें इसकी क्या-क्या हैं। 18.45 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में सरदार सरोवर परियोजना के द्वारा सिंचाई की जा रही है। अब इसका सिंचाई एरिया याद करने की आवश्यकता है क्योंकि ये बड़ा प्रोजेक्ट है ना। फिर अपन आते हैं राजघाट परियोजना के ऊपर, फिर अपन आते हैं राजघाट परियोजना के ऊपर। राजघाट परियोजना को किन किन नामों से जाना जाता है, इसको माता टीला भी कहा, परियोजना भी कहा जाता है, रानी लक्ष्मीबाई परियोजना भी कहा जाता है। अब ये कहाँ पर है ना, राजघाट परियोजना को माता टीला परियोजना भी कहा जाता है, लक्ष्मीबाई परियोजना के नाम से भी इसको जाना जाता है। कंचन अभी 14 दिन तक जो है आपको रेस्ट करना है और किसी के भी कांटेक्ट में नहीं आना है, मिनिमम 14 डेज। ओके, और जो दवाइयाँ दी हैं डॉक्टर ने उनको, जब जितने दिन की दवाइयाँ दी हैं उतने दिन की दवाइयाँ पूरी कंप्लीट खानी है। चलो, राजघाट परियोजना दोस्तों, यहाँ पर ये है बेतवा नदी जो है, बेतवा नदी यहाँ से निकलती है रायसेन के कुमरा गांव से और ये ऐसे जाती है यहाँ से कुछ इस तरीके से। इस जगह पर क्या है, यहाँ पर बांध बनाया गया है, कौन सा, राजघाट परियोजना। बेतवा नदी के ऊपर है, ललितपुर यूपी में ये बांध बनाया गया है। ठीक है, ललितपुर यूपी में ये बांध बनाया गया है बेतवा नदी के ऊपर। प्रशासनिक स्थिति की बात करते हैं कि किन किन राज्यों को इससे फायदा हो रहा है, तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की ये ज्वाइंट परियोजना है, संयुक्त परियोजना है, जिसको हम लोग राजघाट, माता टीला, रानी लक्ष्मीबाई परियोजना के नाम से जान रहे हैं। इरिगेशन जो है, राजघाट परियोजना एक बड़ी परियोजना है, तो इससे कितना सिंचित किया जा रहा है एरिया, उसका डेटा याद रखना परम आवश्यक है। तो 1.16 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में राजघाट परियोजना के द्वारा सिंचाई की जा रही है। फिर आगे की कहानी देखते हैं इसमें कि दोस्तों कौन कौन से जिले जो हैं मध्य प्रदेश में इससे लाभ प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, देखते हैं। गुना, देखो गुना यहाँ पर है, गुना है, शिवपुरी है, दतिया है, गुना, शिवपुरी, दतिया, ये जिलों का एरिया मैं बता रहा हूँ कहाँ पे कौन सा जिला है। फिर उसके बाद में निवाड़ी है और टीकमगढ़ है। ठीक है, ग्वालियर भी इससे लाभ प्राप्त कर रहा है, भिंड भी इससे लाभ प्राप्त कर रहा है। तो ये हो गया आपका गुना, शिवपुरी, दतिया, भिंड, ग्वालियर, यहाँ पर है आपका टीकमगढ़। इतने जिले हैं मध्य प्रदेश के जो राजघाट परियोजना से लाभ प्राप्त कर रहे हैं। आप लोगों से ये प्रश्न भी बन सकता है कि राजघाट परियोजना के अंतर्गत जो है वो कितने जिले लाभ प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, अनुराग सोनी जी, प्रीलिम्स 2020 जो है, अभी जिस तरीके से केसेस कम होते जा रहे हैं लेकिन फिर भी संभावना कम है कि 20 जून को हो पाए। अभी कोई अपडेट नहीं है एमपीपीएससी की तरफ से। ठीक है, अभी कोई अपडेशंस नहीं है एमपीपीएससी की तरफ से कि 20 जून को एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, संभावनाएं कम हैं इतना हम आपको बता देते हैं, है ना। तो अभी आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप प्रीलिम्स जो है उसको भी उतना ही टाइम दें और मेंस को भी उतना ही टाइम दें। ठीक है, ठीक है, आगे की बात करते हैं अपन। अब लेकिन उत्तर प्रदेश में भी है राजघाट परियोजना, तो उत्तर प्रदेश का कितना लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल सिंचित किया जा रहा है, 1.0 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश में सिंचाई की जा रही है राजघाट परियोजना के द्वारा। ललितपुर, झांसी, जालौन और हमीरपुर, ललितपुर, झांसी, जालौन और हमीरपुर जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पर सिंचित किया जा रहा है राजघाट परियोजना के द्वारा। ठीक है, चलो आगे की बात करते हैं अपन। जय हिंद, जय भारत, इंडियन आर्मी जी,
विद्युत उत्पादन क्षमता जो है राजघाट परियोजना की 45 मेगावाट है। मोस्ट आईएमपी चीज़ें हैं दोस्तों, ये कुछ भी पूछा जा सकता है कितनी विद्युत उत्पादन क्षमता करता है राजघाट परियोजना, तो 45 मेगावाट क्षमता है इसकी। ठीक है, पेंच नदी घाटी परियोजना, पेंच नदी घाटी परियोजना, पेंच नदी घाटी कहाँ, पेंच नदी कहाँ से निकलती है आप जानते हैं कि साउथ से निकलती है ना, साउथ से कहाँ से, छिंदवाड़ा से पेंच नदी का उद्गम होता है ना, छिंदवाड़ा से पेंच नदी का जन्म होता है। पेंच नदी घाटी परियोजना छिंदवाड़ा के माचा गोरा गाँव और महाराष्ट्र के तोतला गांव में बांध निर्माण किया गया है ना। तो अगर मैं इसी मैप के अंदर इसको बनाना चाहूँ तो, हालांकि ये मैप दिखेगा नहीं आप लोगों को, थोड़ा नीचे मैप बना लेते हैं, 2 सेकंड तो लगेंगे मैप बनाने में। यहाँ पर छिंदवाड़ा में और महाराष्ट्र के तोतला डो गांव में ये दो बांध बनाए गए हैं पेंच नदी घाटी परियोजना। अब आगे की तरफ देखते हैं इसमें क्या कहानी है। पेंच नदी घाटी परियोजना में सिंचाई क्षमता याद रखने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, एक्स्ट्रा डेटा है, आप लोगों को याद रखना हो सकता है तो कर लीजिएगा, नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, लेकिन ये जरूर याद रख लेना कि माचा गोरा गांव छिंदवाड़ा में पेंच नदी घाटी परियोजना का एक डैम बना हुआ है और तोतला डोह गांव महाराष्ट्र में पेंच नदी के ऊपर एक और डैम बना हुआ है। ठीक है, छिंदवाड़ा और सिवनी जिले मध्य प्रदेश के पेंच नदी घाटी परियोजना से लाभान्वित हो रहे हैं, क्योंकि आजकल ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि ये नदी घाटी परियोजना से मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिले को लाभ प्राप्त हो रहा है, तो छिंदवाड़ा और सिवनी को प्राप्त हो रहा है। विद्युत उत्पादन की अगर बात करें तो विद्युत उत्पादन पहले किया जाता था जो महाराष्ट्र के अंदर तोतला डो गाँव था, वहां पर 160 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जा रहा था, लेकिन अभी वो उत्पादन बंद पड़ा हुआ है। ठीक है, बावनधड़ी परियोजना, बावनधड़ी नदी घाटी परियोजना पर आ जाते हैं दोस्तों, देखते हैं क्या इसकी पूरी कहानी है। सबसे पहले प्रशासनिक स्थिति, देखो एक चीज और भी मैं बता देता हूँ कि जो पेंच नदी घाटी परियोजना है वो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों का ज्वाइंट प्रोजेक्ट है ना, जो पेंच नदी घाटी परियोजना ऊपर अपन लोगों ने पढ़ा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का ज्वाइंट प्रोजेक्ट है। अब अपन आते हैं बावनधड़ी परियोजना के ऊपर। ठीक है, बावनथड़ी परियोजना प्रशासनिक स्थिति इसका भी यही ही है कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों का ज्वाइंट प्रोजेक्ट है बावनथड़ी नदी घाटी परियोजना। इसे राजीव सागर परियोजना के नाम से भी जाना जाता है, बावनथड़ी परियोजना को राजीव सागर परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। कहाँ पर है, कुड़वा परियोजना के नाम से भी जाना जाता है, बताओ, राजीव परियोजना के नाम, राजीव सागर परियोजना और कुड़वा परियोजना दोनों के नाम से जाना जाता है बावनथड़ी नदी घाटी परियोजना को। जल परियोजना की आधारशिला जो है वो कहाँ पर कब रखी गई थी, 1975 में तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री वीरेंद्र कुमार सकलेचा ने और महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री थे शरद पवार, उन्होंने 1975 में इसकी आधारशिला रखी थी। बावनथड़ी नदी घाटी परियोजना जो है वो मध्य प्रदेश महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है, जितनी भी नदी घाटी परियोजना है अभी तक हम उन्हीं का ही अध्ययन कर रहे हैं। ओके चलो, बफरिंग हो रहा है, कोई नहीं कोई नहीं, स्टार्ट हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी ठीक है, अभी सबको आवाज आ रहा है प्रॉपर तरीके से, कोई दिक्कत समस्या परेशानी चिंता तनाव तो नहीं है, एक सेकंड रुकना है ना। अच्छा, पॉलिटी हिस्ट्री, फिर एमपीई को डर लग रहा, अरे डर काहे को लग रहा है, डर क्यों रहे हो भाई, डरने डर से थोड़ी ना है भैया, डर के आगे जीत है ना, माउंटेन ड्यू पढ़ा ही होगा आप लोगों ने, अच्छा सुना होगा आप लोगों ने। ठीक है, अच्छा आप नहीं है संध्या, बहुत बढ़िया, चिंता परेशानी दिक्कत तनाव कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तवा बांध परियोजना ये भी नर्मदा की सहायक ही है, तो प्रशासनिक स्थिति देखें तो मध्य प्रदेश राज्य में यह परियोजना तवा घाटी विकास प्राधिकरण के माध्यम से 1978 में पूर्ण की गई है ना।
मध्य प्रदेश की परियोजना है। तवा घाटी विकास प्राधिकरण ने इसको कंप्लीट किया है, 1978 में ये कंप्लीट हुई है ना, तवा घाटी परियोजना। स्थान कहाँ पर है तवा घाटी परियोजना का, तो मैप के माध्यम से अपन इसको देख लेते हैं। होशंगाबाद जिले के अंदर पड़ता है फ्रेंड्स। मैप बनाना सीख गए हो आप लोग कि नहीं सीखे हो अभी तक? यहाँ है होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर है तवा परियोजना, है ना। अब होशंगाबाद जिले के अंदर इटारसी तहसील है, सब लोग जानते हैं मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। उसके अंदर रानीपुर गांव है, है ना। इटारसी तो तहसील हो गया, उसके अंदर रानीपुर गांव है। और तवा नदी पर 1598.68 मीटर लंबा जो है वो बांध बनाया गया है। अब ये जो मैं आपको डेटा दे रहा हूँ ना, 1598.68 मीटर, ये डेटा है इंडियन जो इंडिया वाटर पोर्टल है उससे मैंने आप लोगों को ये डेटा दिया हुआ है। इंडिया का जो वाटर पोर्टल है उससे मैंने आप लोगों को ये डेटा दिया हुआ है। अच्छा, बुक्स के अंदर क्या बोला गया है, 1322 मीटर। और जो पुराने क्वेश्चंस पूछे गए हैं ना उसमें भी ऑप्शन में 1322 मीटर ही दिया हुआ है, ठीक है। अब आपके ऑप्शन में क्या आता है ना, जब आपके पास में चार ऑप्शन आते हैं तो क्या आता है, 1322 आता है तो 1322 लगा दीजिएगा, और 1598.68 मीटर आता है तो ये लगा दीजिएगा। अब आप बोलेंगे सर एग्जैक्ट क्या है, है ना, तो एग्जैक्ट तो वो है जो आपके ऑप्शन में आएगा। और कुछ लोग ये भी प्रश्न कर सकते हैं सर दोनों आ गया तो क्या करेंगे, संभावना ही नहीं है दोनों आने की, है ना। तो एक आएगा दोनों में से, 1322 मीटर आएगा या 1598.68 मीटर आएगा, है ना, दोनों में से एक आएगा। ओके, गुड इवनिंग भावेश मकवाना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है क्लास के अंदर। तवा बांध परियोजना होशंगाबाद में है, 1978 में कंप्लीट हुई है। अच्छा, याद क्या रखना है, कौन सी तहसील में, इटारसी तहसील में है ये। और गांव का नाम विशेष तौर पर याद रखिएगा, आजकल क्या हो रहा है कि वो कुछ भी पूछ लेते हैं तो गांव का नाम दे देते हैं, जिले विले का नाम नहीं दे रहे, क्योंकि जिले विले तो क्या है आजकल बहुत ही साधारण सी बात हो गई कि ये परियोजना कौन से जिले में, ये परियोजना कौन से जिले में, सब लोगों को याद है ना, क्योंकि बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं लोग, है ना, एग्जाम बहुत दिनों से हो नहीं रहे हैं तो पढ़ तो सभी लोग रहे हैं, सबको नॉर्मल जानकारी तो सबको ही हो गई है। अब वो अंदर की इन्फॉर्मेशन पूछने लगे तो रानीपुर गांव भी आप लोग याद रखिएगा। और मैंने जैसा बताया आप लोगों को, 1322 मीटर भी याद रखिएगा, 1598.68 मीटर भी याद रखिएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं अपन, तवा घाटी परियोजना के अंदर सिंचाई क्षमता कितनी है, क्योंकि तवा बड़ा प्रोजेक्ट है हमारे यहाँ का, तो इसका इरिगेशन एरिया याद रखना जरूरी है, 3.33 लाख हेक्टेयर, बहुत ही आसान है। तवा प्रोजेक्ट होशंगाबाद के अंदर है, जैसा कि मैप में आपको दिख रहा होगा, बीच में पॉइंट दिख रहा होगा, वहां पर है। 3.33 लाख हेक्टेयर जो है इसमें सिंचाई क्षेत्रफल है, है ना। फिर आगे की बात करते हैं अपन, विद्युत उत्पादन क्षमता जो है इसकी, तो तवा घाटी की विद्युत उत्पादन क्षमता के विषय में एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी, इसलिए मैंने उसको ब्लैंक छोड़ दिया है। अन्य लाभ क्या है, होशंगाबाद और उसके आसपास के क्षेत्र को बाढ़ से नियंत्रित करता है, होशंगाबाद और उसके आसपास के क्षेत्र को बाढ़ से नियंत्रित करना इसका एक और उद्देश्य है। अगर देखा जाए ना तो तवा जो प्रोजेक्ट है उसका मेन जो काम था वो यही था, बाढ़ से कंट्रोल करना होशंगाबाद और उसके आसपास के एरिया को, लेकिन चूंकि फिर वो बड़ा डैम बना तो फिर इरिगेशन वगैरह में भी उसका यूज होने लग गया। हलाली प्रोजेक्ट की बात कर लेते हैं, हलाली भी आपको पता ही होगा कि हलाली प्रोजेक्ट जो है बेतवा की सहायक नदी के ऊपर बनाया गया है। मध्य प्रदेश में विदिशा जिले में बेतवा की सहायक नदी है हलाली, उसके ऊपर ये बांध बनाया गया हलाली डैम, जो कि विदिशा और रायसेन दो जिले के अंदर स्थित है। दोस्तों हलाली परियोजना विदिशा और रायसेन दो जिले के अंदर स्थित है, विदिशा और रायसेन दो जिले को इससे लाभ भी प्राप्त हो रहा है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको रायसेन जिला ऑप्शन में ना दे करके हलाली परियोजना किस जिले में पड़ती है तो वहां पर रायसेन दे दिया जाए, ठीक है, आपको विदिशा ना दे करके रायसेन दे दिया जाए तो फिर आंसर क्या हो जाएगा, हलाली परियोजना कहां पर है, रायसेन हो जाएगा। अगर ऐसा देते हैं तो, वैसे तो विदिशा ही दिया जाएगा 99%,
लेकिन अगर विदिशा ना दिया जाए तो क्या करेंगे, तो रायसेन लगा करके अपन आंसर आएंगे। यह परियोजना वर्तमान में सम्राट अशोक सागर परियोजना के नाम से जानी जा रही है। हलाली परियोजना को वर्तमान में सम्राट अशोक सागर परियोजना के नाम से जानते हैं, क्यों? क्योंकि विदिशा, जो आप जानते हैं, विदिशा किसका ससुराल था? विदिशा में किसका ससुराल था भैया, जल्दी बताएं। गुड इवनिंग विपश्यना जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं दोस्तों, क्लास को लाइक और शेयर जरूर करते जाएगा। अभी लॉकडाउन में अजी अशोक का ससुराल था ना, तो अशोक का ससुराल था तो उनके नाम पर रख दिया गया, है ना। ये एक बहुत बड़ी सम्मान वाली बात हो जाती है ना, कि जहां पर जन्म हुआ था वहां तो है ही है, जहां पर ससुराल है वो भी उनके नाम से हो गया, ठीक है। परियोजना कब निर्माण जो हुआ है वो 1973 से 76 के मध्य हुआ है। हलाली परियोजना जो है 1973 से 76 के मध्य हुआ है, ठीक है। हाँ, आप क्या कर सकते हैं, सिंचाई क्षमता हलाली परियोजना का याद रखने की वैसे आवश्यकता नहीं है, अगर हो जाए तो आपकी मेमोरी के ऊपर है, क्योंकि बहुत सारे छोटी छोटी परियोजना का इरिगेशन याद रखने की आवश्यकता नहीं है। वैसे मैंने दे दिया है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं उनको ये होता है कि सर इसका इरिगेशन एरिया भी आप बता दीजिए, तो मैंने लिख दिया है, ठीक है, यहाँ पर दे दिया आप लोगों को। तो विदिशा और रायसेन दोनों ही जिलों के अंदर हलाली प्रोजेक्ट से लाभ प्राप्त हो रहा है ना। चलो, माही प्रोजेक्ट ये बिल्कुल अलग ही प्रोजेक्ट है, ये नर्मदा नदी घाटी के प्रोजेक्ट के अंतर्गत शामिल नहीं है। मध्य प्रदेश और राजस्थान का ज्वाइंट प्रोजेक्ट है, याद रखिएगा मित्रों, माही प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश और राजस्थान का ज्वाइंट प्रोजेक्ट है। आप ये मत कर दीजिएगा कि मध्य प्रदेश और गुजरात का ज्वाइंट प्रोजेक्ट है, माही प्रोजेक्ट है ना। माही नदी यहाँ से निकलती है, आप सभी लोगों को इसके विषय में इंफॉर्मेशन होगी। ये धार जिले से निकलती है और उत्तर की तरफ बहते हुए फिर ऐसे जाते हुए राजस्थान से जाते हुए फिर गुजरात से जाते हुए खंबात की खाड़ी में अपना जल गिराती है ना। माही नदी को जब मैंने पढ़ाया था आप लोगों को इसी सीरीज के अंदर, तो मैंने आपको बताया था ये उस तरीके से उत्तर की तरफ जाती है, फिर दक्षिण की तरफ जाकर के राजस्थान से फिर गुजरात में प्रवेश करती है और फिर खंबात की खाड़ी में अरब सागर में अपना जल विसर्जित करती है ना, ये दिखा था। तो मध्य प्रदेश और राजस्थान का ज्वाइंट प्रोजेक्ट है ये। फिर स्थान कहाँ पर है, माही नदी जो है, जिला धार जो है वहां पर ये माही प्रोजेक्ट बनाया गया है। सिंचाई क्षमता क्या है, धार और झाबुआ डिस्ट्रिक्ट जो है उन दोनों जिले को लाभ प्राप्त हो रहा है। धार और झाबुआ डिस्ट्रिक्ट को लाभ प्राप्त हो रहा है इस परियोजना के द्वारा। ओके, चलो, जितने भी लोग देख रहे हैं दोस्तों, क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। भैया गर्मी में बहुत ज्यादा देखो पसीना आ रहा है मुझे, और क्योंकि अभी क्या है, यहाँ पर जहाँ इंदौर में हम क्लास लेते थे तो इंदौर में कोविड बहुत ज्यादा हो गया है, तो हम वहाँ से अपने होम टाउन आ गए हैं, तो यहाँ एसी वगैरह का कोई व्यवस्था नहीं है अभी, है ना। थोड़े दिन में हम लगा लेंगे एसी वगैरह भी, लेकिन अभी एसी वगैरह की व्यवस्था नहीं है, तो काफ़ी पसीना वगैरह आ रहा है। तो आप लोग लाइक तो करिएगा, कम से कम शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच पाए, और आप लोग तो फ़ायदा उठा ही रहे हैं, आप लोगों के दोस्त लोग भी इसके अंदर फ़ायदा उठा पाए, है ना। और जैसा कि काफ़ी ज़्यादा लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि सर एमपीपीसी प्रीलिम्स का क्या होगा, 20 जून को होगा कि नहीं होगा, 20 जून को होगा कि नहीं होगा, दोस्तों आप लोग पढ़ाई करिए, अभी हमारे पास में 1 महीना है ना। और मुझे ऐसा लगता नहीं है कि 1 महीने के अंदर इतना ज़्यादा कोविड कंट्रोल हो जाएगा, है ना। ये मेरे जो है अनुभव, उससे मैं बता रहा हूँ कि 1 महीने के अंदर इतना कोविड कंट्रोल नहीं हो सकता कि एमपीपीसी एग्ज़ाम करवाए। तो अभी आपको क्या करना चाहिए, अभी आपको प्री और मेंस दोनों को बराबर बराबर समय देना चाहिए। अगर आप दिन के अंदर, दिन में अगर आप कम 12 से 15 घंटे पढ़ाई करते हैं, तो 6 घंटे कम से कम, 6 से 7 घंटे आप मेंस को दें और 6 घंटे के आसपास आप प्रीलिम्स को दें, है ना। इतना समय आप लोग लेते हुए चलें तो आप लोग सफल हो जाएंगे, निश्चिंत रहें, है ना। चलो आगे की बात करते हैं। कोलार बांध, ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, कोलार डैम प्रोजेक्ट को मैं आप लोगों को पहले पढ़ा चुका हूँ। बाण सागर परियोजना हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। अः नहीं, रजनीकांत कोई चेंज नहीं करना पड़ेगा, है ना, आप आगे कंटिन्यू रहें, कोई चेंज नहीं करना है, जैसा पढ़ाया है वैसा का वैसा आपने को आगे कंटिन्यू चलना है। बाण सागर परियोजना,
बाण सागर परियोजना को गोविंद वल्लभ पंत सागर परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। बाण सागर परियोजना को गोविंद वल्लभ पंत सागर परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। फिर प्रशासनिक स्थिति, मतलब कौन कौन से राज्य जो हैं वो बाण सागर परियोजना के अंतर्गत शामिल है, तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार, तीन राज्यों की संयुक्त परियोजना है ना। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार तीन राज्यों की संयुक्त परियोजना है बाण सागर प्रोजेक्ट। अच्छा, इन तीनों के अंदर डिवाइडेशन जो हुआ है वो कितना हुआ है, 2:1:1, मतलब कि अगर 100 जो है टन पानी है ना, अगर 100 टन पानी है तो फिर ऐसी कंडीशन में 50 टन एमपी को मिलेगा, बाकी 25 टन मिलेगा यूपी को और 25 टन किसको मिलेगा, बिहार को, ऐसा है। आगे की तरफ बढ़ते हैं अपन, है ना, ये डिवाइडेशन हो गया तीनों राज्यों के अंदर। स्थान कहाँ पर है, मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के अंदर देवलोद नामक स्थान पर यह बांध बनाया गया है। जैसे अपन यहाँ पर मध्य प्रदेश का मैप बना लेते हैं, एमपी का मैप, ये मध्य प्रदेश में देवलोद में है, है ना। आप लोगों को ये मैप मैं बनाता हूँ वो दिखता है कि नहीं दिखता है कि मेरे पीछे छिप जाता है, ये शहडोल जिले का देवलोद गांव यहां पर है, जिसमें डैम बनाए गए हैं। इसके अलावा सिंगरौली जिले की सीमा पर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में भी एक बांध बनाया गया है। बाण सागर प्रोजेक्ट का ही ये हिस्सा है। तो बाण सागर प्रोजेक्ट के अंदर दो डैम बनाए गए हैं, जो मेन डैम है, जो मेन परियोजना है, मेन डैम है वो शहडोल के देवलोद के अंदर ये बांध बनाया गया है, और जो दूसरा बांध बनाया गया है वो सिंगरौली जिले के बॉर्डर के ऊपर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में बनाया गया। तो दो बांध बनाए गए हैं बाण सागर प्रोजेक्ट के अंतर्गत, है ना। चलो अगला देखते हैं, इसका स्टार्टिंग कब से हुआ था बाण सागर प्रोजेक्ट का, तो 14 मई 1978 से इसको स्टार्ट किया गया था और ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है 2006 में, है ना। 1978 से प्रोजेक्ट बनना स्टार्ट हुआ था और कंप्लीटली कंप्लीट हुआ है 2006 में। नदी कौन सी है, नदी है सोन नदी, सोन नदी है ना, उसके ऊपर बांध बनाए गए हैं। और इसके अलावा जो सिंगरौली जिला है फ्रेंड्स, इसके अलावा जो सिंगरौली जिला है, दोस्तों लाइट चली गई है तो अभी मैं आप लोगों के लिए थोड़ा क्लास को तो कंटिन्यू कर ही रहा हूँ मैं, है ना। ताऊ जी जो है वो बड़े ताऊ जी ने बड़ा परेशान करके रखा हुआ है ना। थोड़ा सा रुक जाना, ठीक है, क्लास को तो कंटिन्यू करेंगे अपन, जो पूरी पूरी हमारी क्लास है पूरा, क्योंकि आज हमें नदी घाटी परियोजना कंप्लीट पढ़ना है, है ना, ठीक है। तो परियोजना के अंतर्गत सिंगरौली जिले की सीमा पर आ जाएगी लाइट, है ना, ताऊ जी परेशान कर रहे हैं थोड़े से। परियोजना के अंतर्गत ताऊ जी का मतलब ताऊते तूफान, है ना, मेरे ताऊ जी नहीं परेशान कर रहे हैं। परियोजना के अंतर्गत सिंगरौली जिले की सीमा पर रिहंद नदी पर बांध बनाया गया है, है ना। जो यहाँ पर बांध बनाया हुआ है सिंगरौली जिले की बॉर्डर के ऊपर, वो रिहंद नदी पर बांध बनाया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। और मध्य प्रदेश में जो शहडोल जिला है उसमें सोन नदी पर बांध बनाया गया है देवलोद में। तो एक तो रिहंद नदी पर बांध बनाया गया है जो सोनभद्र जिला उत्तर प्रदेश में बनाया गया है, और एक डैम बनाया गया है आपका यहाँ पर जो कि शहडोल जिले के देवलोद गांव में। शहडोल जिले के देवलोद वाला जो है वो मेन प्रोजेक्ट है इसका, ठीक है। लाभ इस परियोजना के माध्यम से जो है वो कितने जिलों को प्राप्त हो रहा है, ठीक है, ये देख लेते हैं। तो लाभ जो है इस परियोजना के माध्यम से 2429 वर्ग किलोमीटर मध्य प्रदेश में लाभ प्राप्त हो रहा है, उत्तर प्रदेश में 1500 वर्ग किलोमीटर को लाभ प्राप्त हो रहा है, और बिहार में 940 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में लाभ प्राप्त इससे हो रहा है, ठीक है। ये बड़ा प्रोजेक्ट है, है ना, क्योंकि बाण सागर प्रोजेक्ट आपसे अलग से इंडिविजुअल पूछा जा सकता है कि बाण सागर प्रोजेक्ट के विषय में वर्णन कीजिए, और ये 200 वर्ड में आपसे पूछा जाएगा, तो 200 वर्ड का एक प्रॉपर आंसर भी मैं आपको, आप लोगों को दे रहा हूँ इसके अंदर। तो ये याद रखना पड़ेगा, बड़ा प्रोजेक्ट है, इसका इरिगेशन एरिया आप लोगों को याद रखना है। इस परियोजना से मध्य प्रदेश के सीधी शहडोल, रीवा, सतना, कटनी जिले में सिंचाई सुविधा प्राप्त हो रही है। तो ये पूछा जा सकता है प्रश्न कि
जो बाण सागर प्रोजेक्ट है उससे मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिले लाभान्वित हो रहे हैं, है ना। विद्युत उत्पादन क्षमता याद रखिएगा मोस्ट आईएमपी पॉइंट है ये बाण सागर प्रोजेक्ट का, 425 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता है बाण सागर प्रोजेक्ट का। बाण सागर प्रोजेक्ट का 425 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता है ना। आगे की बात करते हैं। अच्छा, इसमें से आप ये तो जानते होंगे कि 2:1:1 में डिवाइड किया गया है पूरी परियोजना को, दो हिस्से मध्य प्रदेश को मिलेंगे, एक हिस्सा यूपी को, एक हिस्सा बिहार। चलो, थावर परियोजना, लाइट आ गई है दोस्तों, जैसा मैंने कहा था, है ना, ताऊ जी बीच बीच में परेशान करते रहते हैं। थावर परियोजना, थावर परियोजना मध्य प्रदेश के मंडला जिले में है, 1977 में इसको स्थापित किया गया था। थावर परियोजना जो है मध्य प्रदेश के मंडला डिस्ट्रिक्ट के अंदर है और ये 1977 में स्टार्ट किया गया था और इसके माध्यम से मंडला जिले के अंदर 18,212 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में सिंचाई की जा रही है। अब थावर प्रोजेक्ट मंडला जिले में किस नदी के ऊपर है, थावर नदी के ऊपर ही स्थापित किया गया है ना। फिर अपर बेनगंगा परियोजना, अपर बेनगंगा परियोजना को संजय सरोवर बांध भी कहा जाता है। बावनथड़ी परियोजना, एक चीज का ध्यान रखिएगा, एक बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, बावनथड़ी परियोजना हम लोगों ने पढ़ी थी जो कि बालाघाट में है, कटंगी तहसील में, है ना, जो कि बालाघाट के अंदर पड़ता है, कटंगी तहसील में पड़ता है। ओके, फोटो इस्तेमाल कर लूं? अच्छा, मेरे फोटो से छिप जा रहा है, ठीक है, करते हैं करते हैं करते हैं ना, एक सेकंड रुकिए, इसको लाइट को मैं बंद कर देता हूँ। ठीक है, बावनथड़ी परियोजना जो कि बालाघाट में है उसको क्या कहते हैं, राजीव सागर परियोजना, है ना, उसको क्या कहा जाता है, उसको राजीव सागर परियोजना कहा जाता है ना। राजीव सागर, और ये है अपर बेनगंगा परियोजना, इसको कहते हैं संजय सरोवर बांध परियोजना। तो बावनथड़ी और बेनगंगा दोनों अलग अलग परियोजना है, बावनथड़ी को राजीव सागर कहा जाता है और बेनगंगा को संजय सरोवर कहा जाता है ना। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की दोनों, बावनथड़ी परियोजना भी मध्य प्रदेश महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है, अपर बेनगंगा भी मध्य प्रदेश महाराष्ट्र का संयुक्त प्रोजेक्ट है। अब अगला देखते हैं। इस परियोजना का प्रारंभ, बेनगंगा परियोजना का प्रारंभ 1972 में किया गया था, पूछा जा सकता है। बेनगंगा नदी पर सिवनी जिले के भीमगढ़ में मिट्टी का बांध बनाया गया, जो बेनगंगा नदी है ना उसके ऊपर मध्य प्रदेश का जो सिवनी डिस्ट्रिक्ट है, एक सेकेंड, बेनगंगा नदी के ऊपर मध्य प्रदेश का जो सिवनी डिस्ट्रिक्ट है उसमें भीमगढ़ गांव में बांध बनाया गया है। यहां पर सिवनी डिस्ट्रिक्ट के अंदर भीमगढ़ गांव में बांध बनाया गया है और ये इतना मतलब एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है। बेनगंगा नदी पर सिवनी जिले में भीमगढ़ गांव में बांध बनाया गया है मिट्टी का, जो कि एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है ना। फिर सिंचाई क्षमता जो है इसके विषय में एग्जैक्ट डेटा नहीं मिल पाया था, तो वैसे भी याद करने की आवश्यकता नहीं है, बावनथड़ी परियोजना का सिंचाई डेटा है ना ये याद रख लीजिएगा। सॉरी, बेनगंगा परियोजना संजय सरोवर परियोजना के नाम से जाना जाता है, सिवनी जिले के भीमगढ़ में बांध है, मिट्टी का बांध है, एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है। बरियारपुर नहर प्रोजेक्ट, बरियारपुर नहर प्रोजेक्ट है दोस्तों, प्रशासनिक स्थिति मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की ये संयुक्त परियोजना है। बरियारपुर प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। केन नदी पर ये परियोजना बनाई गई, स्थान है पन्ना और छतरपुर की बॉर्डर। बरियारपुर प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश और यूपी, तो नॉर्थ में तो यूपी आई जाएगा, मध्य प्रदेश और यूपी का ज्वाइंट प्रोजेक्ट है, छतरपुर पन्ना के बॉर्डर पर है। केन नदी के ऊपर बरियारपुर प्रोजेक्ट बनाया गया है, ठीक है। हेलो विपिन मिश्रा जी, स्वागत है आपका बहुत बहुत। फिर आगे की तरफ है, निर्माण 1906 में स्टार्ट किया गया था बरियारपुर प्रोजेक्ट का, लेकिन फिर पुनर्निर्माण किया गया 1977 में, है ना।
और अब बारना प्रोजेक्ट। बारना प्रोजेक्ट जो है नर्मदा घाटी विकास परियोजना के अंतर्गत 29 बड़ी परियोजनाओं में से एक है और ये विश्व बैंक की सहायता से बनाई गई है। बारना प्रोजेक्ट कहां पर है? स्थान जो है दोस्तों यहां पर है रायसेन में। बारना प्रोजेक्ट बारना नदी के ऊपर बनाया गया है, नर्मदा की सहायक है बारना नदी, और 29 बड़े प्रोजेक्ट में से एक है ये नर्मदा घाटी परियोजना के अंतर्गत, और विश्व बैंक की सहायता से बारना परियोजना बनाई गई है, रायसेन डिस्ट्रिक्ट के अंदर बनाई गई है, ये विशेष तौर पर याद रखिएगा, है ना। अगला है दोस्तों चोरल परियोजना। चोरल परियोजना 1978 में स्वीकृति इसको प्राप्त हुई थी। इंदौर जिले के महू तहसील में चोरल नदी पर ये बांध बनाया गया है और मध्य प्रदेश की पहली अंतरघाटी परियोजना के नाम से ये फेमस है। चोरल नदी घाटी परियोजना इंदौर जिले में चोरल नदी पर बनाया गया है, महू तहसील के अंदर 1978 में इसकी स्वीकृति प्राप्त हुई थी और ये पहली अंतरघाटी परियोजना है, मतलब कि दो नदी घाटी परियोजनाओं को जोड़ते हुए पहली बार अगर मध्य प्रदेश में कोई परियोजना बनाई गई थी तो बनाई गई थी चोरल नदी घाटी परियोजना। फिर देजला देवला परियोजना। देजला देवला परियोजना कुंदा नदी पर खरगोन जिले के अंदर ये स्थित है, कुंदा नदी के ऊपर खरगोन जिले में स्थित है यहाँ पर देजला देवला परियोजना। नदी का नाम है कुंदा, है ना, और खरगोन जिले के अंदर ये स्थित है। इसमें केवल इतना ही प्रारंभिक परीक्षा में आप लोगों से पूछा जाएगा, है ना, इसमें केवल इतना ही आप लोगों से प्रारंभिक परीक्षा में पूछा जाएगा। अगला देखते हैं सिंचाई क्षमता। याद रखना हो तो याद रख लेना देजला देवला का, नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं है। सिंध या मोहिनी सागर परियोजना। सिंध या मोहिनी सागर परियोजना 1972-73 में शिवपुरी जिले के अंदर मोहिनी खेड़ा गांव में ये परियोजना बनाई गई थी। सिंध सागर परियोजना या मोहिनी सागर परियोजना शिवपुरी के अंदर है, सिंध नदी के ऊपर ये बनाई गई है। शिवपुरी और ग्वालियर जिले से इसको लाभ इससे लाभ प्राप्त हो रहा है। बाघ परियोजना देख लीजिए दोस्तों, ठीक है, बता दिया है हमने एम के जी बाघ परियोजना मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है जिसमें सिरपुर महाराष्ट्र में बांध बनाया गया, मध्य प्रदेश में बांध नहीं बाघ परियोजना के अंतर्गत, लेकिन है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना, और महाराष्ट्र में बांध बनाया गया लेकिन बड़वानी जिले को सिंचाई के लिए नहर प्राप्त हुई है। ठीक है, काली सागर परियोजना। काली सागर परियोजना 1977 में बनाई गई थी, जिला बैतूल के अंदर काली नदी में ही बनाई गई थी, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है काली सागर परियोजना 1977, बैतूल जिला मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है ये। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों हमने कुछ आईएमपी प्रोजेक्ट्स पढ़े मध्य प्रदेश के अंदर जो सारे नदी घाटी परियोजना से संबंधित थे। जितने इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट थे दोस्तों मैंने आप लोगों को सारे पढ़ा दिए हैं, है ना, और क्वेश्चन यहीं से आते हैं। अब मैं आप प्रश्न जो बनते हैं प्रारंभिक परीक्षा में कि कौन सी परियोजना कौन से जिले में स्थित है, ठीक है, कौन सी परियोजना जो है वो कौन से, देखो जिले में स्थित है, कौन सी नदी के ऊपर स्थित है, और जो बड़ी परियोजनाएं हैं उनका इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कितना है, उनका इरिगेशन एरिया कितना है, यहां से आप लोगों के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग इतना तो कम से कम याद करके रखिएगा ही रखिएगा, बाकी जो छोटी छोटी परियोजनाएं हैं उनमें इतना जरूर याद रखिएगा कि वो कौन सी नदी के ऊपर है और कौन से जिले में है ना, इतना तो आप जरूर याद करके रखिएगा, और कोशिश करिएगा कि गांव के नाम भी याद हो जाएं, जितना अच्छा है गांव के नाम भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि अगर कोई एक क्वेश्चन आता है गाँव के नाम पूछने गाँव से संबंधित कि ये परियोजना कहाँ पर है, गाँव का नाम दे दिया जाए, जैसे तवा घाटी परियोजना रानीपुर में है के झांसीपुर में है कहाँ पर है, तो रानीपुर उसमें अगर हम लोग लगा देंगे तो वो बाकी लोगों से आपको आगे लेकर के चला जाएगा, है ना, आप एवरेज स्टूडेंट्स में काउंट नहीं होंगे, आप एवरेज से थोड़े ऊपर वाले स्टूडेंट में काउंट हो जाएंगे अगर आप परियोजना का जो गांव है उसको भी याद कर लेंगे, है ना। तो आज के लिए मित्रों यहीं तक करते हैं, कल 7 बजे मध्य प्रदेश के एक नए टॉपिक के साथ में मैं लोकेंद्र सिंह आप लोगों के लिए फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए आप सभी लोग जितनी भी मेरे पुरानी क्लासेस हैं जो मैंने यूट्यूब के ऊपर ली हुई हैं सारी पुरानी क्लासेस को देख लीजिएगा और सारी पुरानी क्लासेस से आप सभी लोग लाभ प्राप्त करिएगा। मित्रों आप सभी लोगों के लिए अनएकेडमी कुछ ऑफर्स लेकर के आया हुआ है, वो आप लोग देख लीजिए।
कुछ फ्री क्लासेस हैं और कुछ ऑफर्स हैं, है ना, वो आप लोग देख लीजिएगा। जैसे प्लस का सब्सक्रिप्शन तो हमेशा से बेस्ट रहा है अनअकैडमी का, प्रॉपर कोर्सेज, प्रॉपर पीडीएफ नोट्स, ये सब कहाँ पर मिलता है, ये सब मिलता है आपको अनअकैडमी प्लस के सब्सक्रिप्शन पर। तो अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप लोग लुक लाइव कोड का उपयोग करिएगा, हैव ए रेफरल कोड में LOKLIVE अप्लाई कर दीजिएगा, तो आपको प्लस सब्सक्रिप्शन पर 10% का डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ये एक टेस्ट पेपर होने वाला है, फ्री मॉक टेस्ट दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, टाइमिंग वगैरह सब कुछ उसमें दिया हुआ है इस पूरे सेक्शन के अंदर। इसमें जो टॉप 3 रैंकर्स रहेंगे उनको 1 साल के सब्सक्रिप्शन पर 50% का डिस्काउंट मिलेगा, 4 से 10 तक के जो रैंकर्स रहेंगे उनको 1 साल के सब्सक्रिप्शन पर 25% का डिस्काउंट मिलने वाला है। T20 टेस्ट अभी चल ही रहा है आप लोगों के लिए दोस्तों, है ना, T20 टेस्ट शाम को 8 बजे से 8:30 बजे के बीच में। MP पुलिस के लिए टेस्ट सीरीज है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, टेस्ट पेपर का टाइमिंग और एनालिसिस का टाइमिंग मिल जाएगा। ये बिल्कुल एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है आप लोगों के लिए अनअकैडमी ऐप के ऊपर। तो अगर आपने अनअकैडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया है दोस्तों, तो तुरंत अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करिएगा और ऐप को अनलॉक करने के लिए आप लोग लोक लाइव कोड का उपयोग करिएगा, LOKLIVE। इस कोड के माध्यम से आप अनअकैडमी ऐप को अनलॉक कर पाएंगे और अनअकैडमी पर ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस और टेस्ट पेपर्स फ्री में दे पाएंगे। MPGK का ब्रह्मास्त्र ये भी फ्रेंड्स आप लोगों के लिए है, बिल्कुल एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, टेस्ट पेपर और टेस्ट पेपर का एनालिसिस, ज्योग्राफी टेस्ट पेपर का एनालिसिस। 19 मई को एक बैच आया हुआ है दोस्तों, एक बहुत ही शानदार बैच है, प्री प्लस मेंस का। अगर सब्सक्रिप्शन लेना है तो लोक लाइव कोड का उपयोग करिएगा, ये मई मंथ के बैचेस हैं। और मई के लास्ट वीक में पटवारी का बैच आ रहा है ना, पटवारी का बैच आ रहा है मई के लास्ट वीक में। ठीक है, ये जो प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं फ्रेंड्स उनको ये मैगजीन भी मिलता है, सॉफ्ट मैगजीन मिलता है, इसमें एमपी का भी करंट अफेयर रहता है। तो आप लोगों को एमपी के लिए अलग से कोई करंट अफेयर लेने की, कोई मैगजीन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, है ना। 1 साल का सब्सक्रिप्शन 8,800 का है, 2 साल का सब्सक्रिप्शन 12,800 का है मित्रों। ठीक है, लेकिन अभी एक ऑफर चल रहा है आप लोगों के लिए, ऑफर मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आप लोगों के लिए एक ऑफर चल रहा है अभी, 1 साल और 2 साल के सब्सक्रिप्शन पर एक सेकंड फ्रेंड्स, अरे कहाँ गया, ये है फ्रेंड्स सब्सक्रिप्शन पर आप लोगों का जो ऑफर चल रहा है कि अगर 12 महीने का आप लोग सब्सक्रिप्शन लेते हैं अभी 15 मई तक, तो फिर आपको 14 महीने अनअकैडमी पर पढ़ने को मिलेगा। अगर आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं 24 महीने का, तो आपको 25 महीने अनअकैडमी पर पढ़ने को मिलेगा। तो ये काफी पॉजिटिव चीज है आप लोगों के लिए, है ना। तो मतलब ये वाला लोगे ना आप, तो आपको 14 महीने पढ़ने को मिलेगा, और ये वाला लोगे तो आपको 27 महीने पढ़ने को मिलेगा। तो अगर आप लोगों ने MPPSC का तैयारी अभी चालू किया है तो 2 साल का लें, प्रॉफिट रहेगा। अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत 1 साल पढ़ा है तो फिर 1 साल वाला लीजिए, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। आप लोग जब भी लोक लाइव कोड यूज करके अप्लाई कर देंगे ना, हैव ए रेफरल कोड में, तो ये आपको मिल जाएगा 7,920 का, और ये आपको पड़ जाएगा 11,520 का, ये आपको पड़ जाएगा 11,520 का। और प्रोसेस टू पेमेंट पर जाकर के UPI, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जिससे भी आपको पेमेंट करना हो पेमेंट कर सकते हैं ना। मैं 4 सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ मित्रों, मैं 4 सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, MP पढ़ाता हूँ प्लस के ऊपर, प्री प्लस मेंस, ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ प्री प्लस मेंस, पॉलिटी भी पढ़ाता हूँ प्री प्लस मेंस, और इथिक्स पढ़ाता हूँ मेंस के लिए। 4 सब्जेक्ट आप मुझसे पढ़ सकते हैं, और बाकी के जो सब्जेक्ट हैं उनके लिए कौन से टीचर से आप लोगों को पढ़ना चाहिए मैं सजेशंस आप लोगों को दे दूंगा, है ना। तो आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करें और प्लस के ऊपर प्लस बेहतर
सुविधाएं प्राप्त करें। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, शुक्रिया।